give a girl the right shoes and she can conquer the world. Open source literate Pakistan के इस सेशन में हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे जो सिर्फ वुमेन के लिए है, और उसमें हम ये बात करते हैं कि ख़वातीन ओपन सोर्स कम्युनिटी में कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हैं और तकरीबन 1.5 से 2 लाख या इससे ज़्यादा की स्टाइपेंड पर मंथ कमा सकती हैं। ये प्रोग्राम बेसिकली गूगल समर अपोर्ट की तरह का है। इसमें थोड़े से डिफरेंस ये है कि आपको एज ए टीम काम करना है, ठीक है। गूगल समर अपोर्ट में एज ए आपको इंडिविजुअल काम करना होता है, यहाँ पे आपको एक अपनी साथी दोस्त ढूंढनी है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर को जानती हो और आप भी सॉफ्टवेयर को जानती हो, तो आप इसमें हिस्सा ले सकती हैं। इसमें आपको यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होना लाजमी नहीं है और आपकी कम अज़ कम एज 18 साल हो, ज़्यादा की कोई ओपन लिमिट नहीं है। इस प्रोग्राम का नाम है रेल्स गर्ल्स समर ऑफ कोड, और ये प्रोग्राम नेक्स्ट मंथ से ओपन होगा, ठीक है। मार्च में इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी। तो सबसे पहली कंडीशन है कि ये प्रोग्राम लड़कियों के लिए है, औरतों के लिए है, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसमें ये है कि आपने टीम में काम करना है, ठीक है, और आपको आपके शहर में कोई आपकी दोस्त मिलती है तो ही आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, रिमोटली टीम को एक्सेप्ट नहीं करते ये। और तीसरा, इसमें स्टाइपेंड तकरीबन $1,000 या इससे ज़्यादा का है, $1,000 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपये बनते हैं, और ये दोनों को मिलेंगे, मतलब 1.5 लाख और 1.5 लाख 3 लाख या इससे ज़्यादा की भी आप रिक्वेस्ट कर सकती हैं। अगर आपके कोई एक्सपेंसेस हैं तो आप वो इनको बता सकती हैं, और उससे ज़्यादा भी आपका बजट अप्रूव हो सकता है। 3 मंथ का ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ठीक है, और वीकली आपको 40 घंटे कमिट करने पड़ेंगे इस प्रोग्राम के लिए। और इस प्रोग्राम में आपको 2 ऑफलाइन फेस टू फेस मेंटर्स मिलेंगे जो पर वीक आपको 5 घंटे कोचिंग करेंगे, ठीक है, और इसमें सुपरवाइजर्स भी हैं, ठीक है। एंड ये प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें आपने अप्लाई करना है, आप स्किल्स देख लें, HTML की भी डिमांड है, CSS की भी है, रिएक्ट की भी है, जावास्क्रिप्ट की है, रूबी है, रेल्स है, ठीक है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। ये आप देखें, बिल्कुल IoT की है, Arduino की है, तो इनमें से कोई भी स्किल आपको आती है तो आप उस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। और आप 2 प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल सबमिट कर सकती हैं, फर्स्ट चॉइस और सेकेंड चॉइस, ठीक है। ये बेसिकली किसी ने अगर ड्राफ्ट लिखा तो ये ड्राफ्ट का, ये ग्रे वाला और ब्लू वाला जितने प्रपोजल सबमिट हैं, तो आप भी अभी देख सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट में ज़्यादा प्रपोजल्स हैं, किस में कम है, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इस तरह, तो आप इधर अप्लाई कर सकती हैं। और ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, ठीक है, गूगल समर ऑफ कोड का एक अल्टरनेटिव है लड़कियों के लिए, तो लाजमी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अगर आपका कोई भी सवाल है इस वाले से, तो किसी भी किस्म की गाइडेंस है तो आप कमेंट कर सकती हैं, तो मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। तब तक अस्सलाम वालेकुम।